ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं लेक्चर नंबर 12th में हमको क्या पढ़ना है। सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। इसमें हमें पढ़ने हैं जो हमारा इसमें टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक हमारा वापस रहेगा जो हम 10th और 11th में कंटिन्यू लेक्चर में पढ़े हैं। तो लेक्चर नंबर 12th में आपको बताता हूँ कि जो टॉपिक हमारे लेफ्ट हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, जिसमें मैंने आपको दो नामे बताए थे, जो हमारा चौथा और पाँचवें था वो था डेवलपमेंट बाई द प्रैक्टिसज एंड एक्सपेरिमेंट टेशंस, या एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं। उसके बाद पांचवी टॉपिक थी एप्लीकेशन इन डायरेक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर। ये हमारे दो टॉपिक लेफ्ट है, जिस लेफ्ट है नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के टॉपिक में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं टॉपिक नेम डालता हूँ नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें हमारा जो टॉपिक लेफ्ट था वो टॉपिक लेट था चौथा, जिसमें मैंने आपको बताया था डेवलपेड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम कॉमन सेंस की बात करें तो किसी चीज़ का विकास कैसे होता है। किसी चीज़ का विकास न्यू रिसर्च मतलब एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है, और वो एक्सपेरिमेंट कब होता है, जब किसी चीज़ की शोध की जाती है, मतलब किसी चीज़ का जब रिसर्च किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि मेडिसिन जैसे दवा है, ठीक है, कोई भी दवा हमारा फीवर में, ह्यूमन बुखार में कब हेल्पफुल होता है, जब हम उस दवा को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए एक मेडिसिन मानते हैं कि एक कोई भी मेडिसिन हो जो हमारे, जैसे मान लीजिए हमें फीवर है, हमें क्या है, बुखार है, उस बुखार में हमने क्या किया, एक डाइक्लो प्लस खा लिया। अब डाइक्लो प्लस जो दवा है, ये दवा कहाँ से आई, ये दवा आई हमारे लैब से, जो कि साइंटिस्ट ने उस चीज को क्या किया, रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद बहुत सारे टाइम लगे उस चीज को रिसर्च करने में कि हाँ ये दवा जो है डाइक्लो प्लस जो है वो बुखार में भी काम आ सकता है, सर्दी में भी काम आ सकता है, और किसी उस चीज में काम आ सकता है जिसका हमने रिसर्च किया। तो मार्केट में वो दवा क्या होता है, बहुत ही आराम से मिल जाता है। अगर हम इसकी मीनिंग की बात करते हैं तो इसका जो मीनिंग होगा वो होगा कि मेनी ऑफ द मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैव बीन डेवलप्ड बाय प्रैक्टिशनर इंक्लूडिंग हेनरी फ्योल। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एफ डब्ल्यू टेलर अलग होता है और हेनरी फ्योल अलग होता है। ये ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने बहुत रिसर्च करके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को क्या किया है, सिद्ध किया है। ये सब राइटर जो हैं उन्होंने अपने अपने सजेशन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को, जनरल मैनेजमेंट,
के अकॉर्डिंग और उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारे प्रैक्टिस करके, बहुत सारी चीज़ों को शोध करके, बहुत नई नई टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करके उसको क्या किया है, इस डेवलपमेंट बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेड में क्या किया है, इंक्लूड किया है। तो ये ऐसी टेक्निक है जो हमारे सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पे डिपेंड करती है, और रिसर्च करने के बाद जो उसका रिजल्ट आता है वो एक्सपेरिमेंटेशन के अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट कहलाता है। ओके, हमारी जो पांचवी टॉपिक है वो टॉपिक है एप्लीकेशंस इन डायरेक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर। इसमें हम मानव की बिहेवियर की बात करेंगे। मानव की बिहेवियर की बात करने का मतलब कि इसमें हम उस व्यक्ति की बात करेंगे जो व्यक्ति हमारे किसी भी मैनेजमेंट से रेगुलेटरी जुड़ा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय जो किसी कंपनी में काम कर रहा है, उस कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय उसका बिहेवियर जो है मैनेजमेंट से कैसा है, अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है। अगर हम छोटा सा एग्जांपल की बात करते हैं तो जो हमारे पांच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हैं, जो डायरेक्टिंग है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, कंट्रोलिंग है, तो ये जो पांच मैनेजमेंट, ये जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, ये पांच मैनेजमेंट अगर एक दूसरे से, ये पांच मैनेजमेंट में काम करने वाले व्यक्ति एक दूसरे से क्या करेंगे, जुड़े रहेंगे। वो जुड़े रहने का मतलब कि हमारे टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल के मैनेजमेंट से जुड़े रहेंगे, तो हमारा ये जो एप्लीकेशन इन डायरेक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर, ये बहुत ही अच्छे से आप समझ पाएंगे। जैसे टॉप लेवल का मैनेजमेंट अगर लोअर लेवल के मैनेजमेंट से बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग रखता है तो वो हर समस्या को क्या कर सकता है, लोअर लेवल शेयर कर सकता है टॉप लेवल से, उसमें किसी भी प्रकार का मिडिल लेवल का कोई काम नहीं है। या फिर मिडिल लेवल का कोऑर्डिनेशन या उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो वो उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझ सकता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ते हैं, जिसमें मानव की बिहेवियर से और उसके प्रमोशन को लेकर के ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। जैसे किसी व्यक्ति का अगर परफॉर्मेंस अच्छा होता है किसी भी मैनेजमेंट के प्रति, तो वो मैनेजमेंट क्या करता है, उसकी उस व्यक्ति को प्रमोशन देता है, मतलब उसके कार्य को और थोड़ा सा बढ़ाता है और उसकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट करता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अगर हम इसकी इसकी बात करते हैं, अगर इसकी मीनिंग की बात करते हैं, तो इसकी मीनिंग हो सकती है आपकी द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर मीन for regulating human behavior and getting higher performance। From them। ठीक है, वही बातें बोल रहा है जो मैंने आपको बताई। तो ये सब चीजें जो होती हैं हमारे एप्लीकेशन इन डायरेक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर पे आती है। तो ये हमारे पांच टॉपिक थे जो कि हमने आपको नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैंने आपको पढ़ा दिया। सबसे पहला टॉपिक था हमारा यूनिवर्सल एप्लीकेशन, दूसरा था जनरल गाइडलाइंस, तीसरा था फ्लेक्सिबिलिटी, और चौथा था डेवलप्ड, और पांचवा था हमारा एप्लीकेशन, जिसकी मीनिंग हमने यहाँ पे आपको बता दी है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, थैंक यू।